ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्म श्री गौतम स्वामी कहते हैं, उनके मुख से निकली सब सर्वप्रथम वाणी सुगम में अव संतो आदि, सर्वप्रथम उनके मुख से निकली वाणी संस्कृत भाषा में, दैत भगवान हेवाम भोज प्रचार विदिर्मिता वभर मुकुट छायोदीर्ण प्रभा प्रचुमित कलुष हृदया मनो मानो भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पाद यस्य प्रपद वसत। दैत भगवान आप जयसीन हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, बोलते हैं जय हो, जय हो। दैत भगवान ये उन्हीं से परंपरा चली आ रही है, महापुरुषों से गणधर स्वामी थे और उसकी परंपरा अनादि। हे भगवान आप स्वर्ण कमल पर विहार करते हैं, जब आप श्री विहार करते हैं तो स्वर्ण कमल आपके चरणों के नीचे इंद्रगण देवगण स्वर्णमय कमलों की रचना करते हैं, फिर भी आप उनसे स्पर्शित रहते हैं। और देव असंख्यातों देवगण और इंद्रगण 32 इंद्र अथवा 100 इंद्र मिलकर के आपके श्री चरणों में नमन करते हैं और उनके मुकुटों की किरणें जो आपके श्री चरणों में पड़ती हैं स्पर्शित करती हैं तो बहुत ही सुमित सुंदर दिखती है। कलुष हृदया जिनके हृदय कलुषित हैं, मान से उद्भ्रांत हैं, घमंड से चूर हैं, क्रोध और मान आदि से सहित हैं, माया लोभ आदि से और परस्पर में भी द्वेष को रखने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति बैरी, ऐसे जंतुगण भी प्राणीगण भी परस्पर में बैर भाव को छोड़कर विश्वास को प्राप्त हो जाते हैं, परम विश्वास को मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ये जैन शासन जहाँ शेर और गाय को एक घाट पानी पीते दिखाया जाता है, जैन शासन आदि रूप से भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं। भद्रात्माओं ऐसे श्री गौतम स्वामी ने पंच परमेश्वरी की स्तुति की है, नवदेवों की भी स्तुति की है। क्रम क्रम से हम आपको ले चलेंगे एक एक काव्य की ओर। चर्चा आती है हमारे सामने कि आचार्यों की मूर्ति का, गणधर देव की मूर्ति का अभिषेक कैसे होता है। आचार्य श्री शिव सागर महाराज के समय लाडनू में सन 1961 में जब वहाँ पंचकनार प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहाँ आचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य श्री वीर सागर जी और आचार्य कल्पचंद्र सागर जी, तीन प्रतिमाएँ बड़ी बड़ी ढाई ढाई फुट की विराजमान की गई, तो उस समय भी प्रश्न आया था और आचार्य श्री ने षटखंडागम ग्रंथ आदि के से प्रमाण उद्धृत करके दिखाए थे। पंच परमेश्वरी की प्रतिमा का होना, नवदेवों की प्रतिमाओं का होना अनादि परंपरा है। हमेशा ध्यान रखें अभिषेक पंच परमेश्वरी का नहीं होता है, अरहंत का अभिषेक होता नहीं समोसरण में, सिद्धों के अभिषेक की बात ही नहीं, उस सिलसिला पर विराजमान है। आचार्य उपाध्याय साधुओं का भी अभिषेक होता नहीं, उनके चरणों का अभिषेक होता है चौके में भी, नौधा भक्ति में भी और इतर समय भी। देशभूषण कुलभूषण महाराज विराजमान थे मुनि महा मुनि कुंथलगिरी पर, सती सीता ने झरने के जल से खूब उनके चरणों का अभिषेक किया है, चंदन का लेप किया है, पुष्पों से पूजा की है, वर्णन आया है। ऐसे चरणों का अभिषेक तो, लेकिन पूरी मूर्ति उनका अभिषेक नहीं होता है।
तो पंच परमेष्ठी में भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं का आवश्यक नहीं होता है, न जिन धर्म का, जिनागम का, न जिन, अब होता है प्रतिमाओं का आवश्यक। ध्यान रखें, जिन प्रतिमाओं का आवश्यक होता है, तिलपण इत्यादि ग्रंथों में आया है कि इंद्रगण, देवगण नंदेश्वर द्वीप आदि में जाकर के और हजारों हजारों घड़ों से क्षीर सागर के जल से क्षीर सागर से जल ला करके और प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं। प्रतिमाओं के अभिषेक के प्रमाण एक नहीं हजारों ग्रंथों में विद्यमान है। इंद्र ने भी अभिषेक किया है प्रतिमाओं का अभिषेक, नंदीश्वर द्वीप में सुमेरु पर्वत की प्रतिमाओं की आदि। तो जिन प्रतिमाओं के अभिषेक होते हैं, तो पंच परमेष्ठी की प्रतिमाओं के भी अभिषेक होते हैं। जो पंच परमेष्ठी की प्रतिमा एक फलक पर रहती हैं अथवा नवदेवों की प्रतिमा एक फलक पर रहती है, उनके भी अभिषेक होते हैं। और प्रतिमाओं के ही अभिषेक होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। जिन मंदिर का भी अभिषेक नहीं होता है, जब नया मंदिर प्रतिष्ठापित होता है, उस पर कलशारोहण होता है, तो उस समय दर्पण में प्रतिबिंब बिंबित करके और मंदिर का और कलशारोहण आदि का अभिषेक दिखाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, मुख्य रूप से प्रतिदिन जिन प्रतिमाओं का अभिषेक होता है, तो केवल अरहंत प्रतिमाओं का ही अभिषेक हो ऐसा नहीं, पांचों परमेष्ठी की प्रतिमाओं का भी अभिषेक होता है, होता था, होता है और होता रहेगा। आज भी हमने देखा आचार्य श्री सांसार महाराज जी भी बराबर पंचामृत अभिषेक देखते थे, तो पंच परमेष्ठी की प्रतिमाओं का अभिषेक, चौबीसी भगवंतों का अभिषेक और देशभूषण कुलभूषण महाराज जो मोक्ष को प्राप्त थे उनकी प्रतिमाएं विराजमान थी, उनका भी अभिषेक देखते थे। और उनकी प्रतिमाएं आचार्य सांसार जी वीरसाज की जहाँ जहाँ विराजमान हैं वहाँ वहाँ उनके अभिषेक बराबर होते आए हैं। और अभिषेक की परंपरा पंच परमेष्ठी की प्रतिमाओं की अभिषेक की परंपरा हमेशा से रही है और है, यह हमेशा ध्यान में रखें। ये शंकाएँ चर्चाएँ आती हैं, चर्चा और शंका करने वाले तो अगर उनका बस चले तो महामंत्र नमोकार मंत्र से आचार्य उपाध्याय साधुओं के मंत्र को ही हटा दें, लेकिन चूंकि अनादि निधन मंत्र है, शाश्वत मंत्र है, महामंत्र चत्तारी मंगल आदि पाठ उसे नहीं निकाल पाते हैं। तो बात यही है, एक प्रश्न इसमें यह भी आता है कि चतुर्थकालीन आचार्य उपाध्याय साधु पूज्य थे, पंचमकालीन नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि तिलोपणक्तिकार ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक निर्ग्रंथ दिगंबर जैन मुनि और चतुर्विध संघ निर्दोष भावलिंगी रहेगा ही रहेगा। सभी भावलिंगी हो आज हम निर्णय नहीं दे सकते और ना आप निर्णय दे सकते, जितने साधु हैं कौन उसमें द्रवलिंगी है कौन भावलिंगी, ये निर्णय तो सर्वज्ञ के ऊपर ही है, हम और आप निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि परंपरा विनय सहितम युगी नहीं सूझ प्रतिमा सूझनानी, आज के मुनियों में भी पूर्व जैसे प्रतिमाओं में स्थापना निक्षेप से पूजा होती है वैसे ही स्थापना निक्षेप से पूजा की जाती है। मैं आपसे प्रश्न करूं कि वारसेन मुनि ने अपने मित्र पुष्पढाल की दीक्षा कराई, पुष्पढाल की दीक्षा कराई और वो जानते थे कि अभी स्थिर नहीं है, तो क्या संघ में वंदना प्रतिवंदना होती थी या नहीं, नमोस्तु प्रतिनमोस्तु होता था या नहीं, उनकी चर्या में उन्हें जैसे सबको पड़गान करते वैसे ही पड़गान होता था, वैसे ही नवधा भक्ति होती थी, वैसे ही संघ में चर्याएं थी, कोई भेदभाव और उसमें नहीं था, अन्यथा संघ में व्यवस्था ही बिगड़ जाए। और फिर भी श्री वारसेन मुनि उसको स्थिर करने के लिए अपने राजमहल में ले गए थे, कथा बहुत प्रसिद्ध है। और राजमहल में ले जाकर के माता को कहा, माता चेलना से कहा, हे माता हमारी सब पत्नियों को बोलो सब श्रृंगार आदि से सुसज्जित होकर सवाकर यहाँ सामने हो जाए। चेलना सोचने लगे बात क्या है, फिर भी आज्ञा तो आज्ञा, सब आकर उपस्थित हुई। तो महामुनि वारसेन कहते हैं पुष्पढाल से, देखो ये हमारी पत्नियां हैं,
इन्हें छोड़कर मैंने जनेश्वरी दीक्षा ली है। वो समझ गए कि मैं एक अपनी पत्नी, उसमें मेरा मन अभी अटका हुआ है आदि, और स्थितिकरण उनका हुआ। संघ में पहुँच कर उन्होंने प्रायश्चित मांगा। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि कौन द्रवलिंगी कौन भावलिंगी आज निर्णय कोई नहीं कर सकता। जो सर्टिफिकेट देने के लिए सामने आते हैं, पहले उन्हें देखना चाहिए कि वो श्रावक है या नहीं, श्रावक के अनुव्रत मूल गुणादि पालन कर रहे हैं कि नहीं। जो भी हो, ये ध्यान में रखें कि वर्तमान में भी मुनि और आरिकाएँ भावलिंगी हैं। उनमें कोई एक दो द्रवलिंगी हो तो परीक्षा सर्वज्ञ करेंगे, उसका निर्णय भगवान जाने, लेकिन भावलिंगी हैं और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। इसे पंचम काल में धर्म का विच्छेद नहीं होगा, अखंड परंपरा अविच्छिन्न परंपरा आ रही और चलती रहेगी, ध्यान में रखें। ये ग्रंथ के वाक्य हैं और आचार्य श्री से शांति सार और वीर सार महाराज के सामने अनेकों चर्चाएँ होती थी, उस समय उनके मुख से मैंने सुना हुआ है। तो हमेशा ध्यान में रखें, अभिषेक प्रतिमाओं का होता है, अभिषेक पंच परमेश्वरी का नहीं होता है। अभिषेक केवल प्रतिमाओं का ही होता है, पंच परमेश्वरी की प्रतिमाओं का, नव देवताओं की प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। अभिषेक भरत स्वामी, अभिषेक श्री बाहुबली स्वामी, अभिषेक श्री देशभूषण कुलभूषण आदि महामुनि, अभिषेक सिमंदर भगवान आदि जो विद्वान वर्तमान में विद्वान हैं, समोसरण जिनके बने हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं बना करके भी उनका अभिषेक हो रहा है। जिनका समोसरण आज विद्यमान है, समोसरण विद्वान होते हुए भी उनकी प्रतिमाएं बनाकर उनका अभिषेक किया जा रहा है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, जो नहीं हुए हैं उनकी प्रतिमाएं बनाकर भी अभिषेक किया जा रहा है। ये प्रश्न भी हमारे सामने आया जब मैंने त्रिकाल चौबीसी बनाने की अयोध्या में प्रेरणा दी, तो ये प्रश्न जनक आ गया। तब मैंने उनसे यही प्रश्न किया, ये बताओ कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी विराजमान की, ऐसा वर्णन आता है, आप त्रिकाल ना माने तो चौबीसी विराजमान की तो मानेंगे ही मानेंगे। चौबीसी प्रतिमाएं विराजमान की तो उसे भगवान शिवदेव के सिवाय 23 तीर्थंकर थे क्या? और उन्हीं के पुत्र, भरत के पुत्र मरीचि एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में परिभ्रमण करके महावीर होने वाले थे, तो उनकी प्रतिमा उन्होंने विराजमान की थी कि नहीं? उत्तर दें, प्रश्न करने वाले उत्तर दें। ये बहुत बड़ी बात है। क्या भरत स्वामी को मालूम नहीं था? क्या उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि से जाना नहीं था? उन्हें तो भगवान के दर्शन करते एक बार अवधि ज्ञान हो गया था, तो क्या अवधि ज्ञान से जाना नहीं था कि हमारा पुत्र मरीचि पाखंड मतों का प्रचार करके 363 पाखंड मतों में अग्रणी बन करके और आगे महावीर होने वाले एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद महावीर बनेगा? लेकिन उस समय उन्होंने प्रतिमा तो विराजमान की थी, प्रतिमा मरीचि की नहीं विराजमान की थी, ध्यान रखें, प्रतिमा तीर्थंकर महावीर की विराजमान की थी, होने वाले भावी। तो भव्यात्माओं, इन सब उदाहरणों से हमें समझना चाहिए कि त्रिकाल चौबीसी जो हो चुकी हैं और वर्तमान में जो मोक्ष जा चुकी हैं और आगे होएंगी, उनकी प्रतिमाएं मेरी प्रेरणा से 5-6 तीर्थों पर विराजमान हैं। अयोध्या में, कुंडलपुर में, प्रयाग में, हस्तिनापुर में, और यहाँ जो है सन 2000 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी से उद्घाटन कराया गया था, कैलाश पर्वत बनाया गया था, तो त्रिकाल चौबीसी से विराजमान हुई थी रत्नों की। आज वो बराबर हस्तिनापुर में कैलाश पर्वत विराजमान है, वहाँ प्रतिमा विराजमान है त्रिकाल चौबीसी की। तो भव्यात्माओं, शंकाएँ तो बहुत आती हैं, चर्चाएँ आती हैं, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में और गुरु परम्परा से जो मैंने पाया है, आगम से जो मैंने पाया है, उनका उत्तर आप इस पारस चैनल के माध्यम से बराबर प्राप्त करेंगे। बात यही है कि गौतम स्वामी जो उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करने वाले चार ज्ञानधारी गणधर हुए हैं, उन्होंने भी ऊढ़मय त्रिडोय
सिद्धाय नारी नमस्तामी, ऊर्ध लोक मध्य लोक अधर लोक की जिन प्रतिमाओं का नमन किया है, और पांच भरत पांच ऐरावत और विदेहों के चतुर्विसंग मुनियों को वंदन किया है, चार प्रकार के मुनियों का वंदन किया है, और तप और तप्ती आदि की वंदना की है। तो बात यही है कि हम और आप सभी जब इस बात को लेकर नमन करते हैं सिद्धों को कि गौतम स्वामी ने अतीता नागत वर्तमान कालत्तय सिद्धानम, सिद्ध भक्ति में कहा है कि अतीत अनागत और वर्तमान कालीन सभी सिद्धों का नमन हो। तो आप सोचें अनंत कालीन आगे होने वाले भविष्यत कालीन सिद्ध अनंत अनंत हैं होंगे, जो आज पता नहीं किस योनि में है, कहाँ नरक में है कि निगोद में है, कहाँ हैं। अनंत जीव तो निगोद में होंगे, अनंत जीव असंख्यातों जीव नरकों में होंगे, और असंख्यातों जीव दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री आदि पर्याय में होंगे, लेकिन उन्होंने अनागत सिद्धों को नमन किया है गौतम स्वामी ने। तो भव्यात्माओं शंकाएँ बहुत होती हैं, लेकिन समाधान आपको भगवंतों की वाणी से प्राप्त करना चाहिए। जब गौतम स्वामी जैसे महामुनि अनागत सिद्धों का नमन कर रहे हैं, तो हम और आप सोचें कि अनागत सिद्धों में कहाँ कहाँ कौन जीव आज हैं। उसमें मैंने सिद्ध चक्र विधान की एक पंक्ति संजोई है, जो भविष्य में सिद्ध होंगे उनमें नाम हमारा भी है हमारा भी नाम उनमें है कि नहीं है। तो हमारे को भी हम नमन कर लेते हैं और आप भी नमन कर लेते हैं अनंत सिद्धों में। तो बात यही है, सभी आप भावी सिद्ध हैं तो अपने को भी नमन कर रहे हैं और सभी को नमन कर रहे हैं। तो बात यही है कि उस अवस्था विशेष को हम नमन करते हैं, इस अवस्था को नमन नहीं करते हैं, उस अवस्था विशेष को, सिद्ध अवस्था विशेष को नमन करते हैं, और उन्हीं की प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। भरत भगवान सिद्ध पद को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमेश्वरी का अभिषेक हो रहा है। बाहुबली भगवान सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं, उनका अभिषेक हो रहा है। तो तीर्थंकरों से अतिरिक्त कुछ लोग कह देते हैं तीर्थंकरों से अतिरिक्त किसी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, पहले बाहुबली भगवान की प्रतिमा का विरोध करें। हजारों वर्ष पूर्व श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की आज्ञा से, प्रेरणा से, उनके सानिध्य में चामुंड राय ने प्रतिमा बनाई है, और उसके पूर्व भी इतिहास साक्षी है, श्री भरत स्वामी ने बाहुबली की मूर्ति बनाई विराजमान की थी। तो बात यही है कि जो अनादि परंपरा, शास्त्र परंपरा, आगम, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें हर एक चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत से विषय हैं, तो अभी भरत स्वामी का मैंने एक छोटा सा विधान बनाया है, 108 अर्घ हैं। विधान तो बनाया था मैंने हस्तापुर में ही, काफ़ी दिन हुए और प्रकाशित होकर भी आया था। अभी आज उसका विमोचन हुआ है, यहाँ विधान भी होगा, आप भी करेंगे, देखेंगे। आप क्या भरत की प्रतिमा नहीं विराजमान हो तो भी मंदिर में एक ही प्रतिमा रहती है, उनके सामने 2400 की पूजा की जाती है। एक प्रतिमा होते हुए भी 2400 भगवंतों की पूजा की जाती है, सब उसमें समाविष्ट हैं। संघ में हमेशा आचार्य महाराज की आज्ञा से एक प्रतिमा रही और 2400 भगवंतों की निर्वाण कल्याणक आदि मनाते रहे, हम लोग पूजा करते रहे, अर्घ चढ़ाते रहे। तो बात यही है कि जब आचार्य श्री शांतार महाराज जी की आज्ञा से, प्रेरणा से 20 तीर्थंकर भगवान की मूर्ति विराजमान हुई है दही गांव में, आप ध्यान रखें, और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा से विराजमान हुई हैं कुंथलगिरी में देशभूषण और कुलभूषण सिद्ध परमेश्वर की मूर्ति, जो सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं, और आचार्य श्री शिवसार महाराज की आज्ञा से और प्रेरणा से लाडनू में आचार्य श्री शांतसार जी महाराज, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज और आचार्य कृपचंद सार जी महाराज की प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं 1961 में।
तो हमेशा ध्यान रखें प्रतिमाओं की विराजमान की परंपरा, गुरुओं के प्रतिमाओं की विराजमान की परंपरा शास्त्रीय है, षटखंडावादी ग्रंथ के अनुसार है, आगम के परिप्रेक्ष्य में है और परंपरागत भरत चक्रवर्ती के समय से चली आ रही है। ये परंपरा जयवंत रहे, जीवंत रहे, दिग्दिगंत व्यापी हो। और गौतम स्वामी की वाणी हम और आप जिसका त्रिकाल स्वामी में पाठ करते हुए आनंद अनुभव करते हैं प्रतिक्रमण आदि में, वो गौतम गणधर की वाणी भी जयवंत हो, जिसके प्रसाद से आज हम मोक्ष मार्ग को देख रहे हैं, साक्षात मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। और मोक्ष मार्ग में चलने वालों को वंदन कर रहे हैं। आप श्रावक हैं, श्रावकोचित क्रिया करते हुए भी आप भी मोक्ष मार्गी हैं। और आप ऐसे कोई भी प्रश्न आते हैं आप लाएं, हम शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका समाधान देने के प्रयास करेंगे। और अनेक प्रकार की कुतर्कनाएँ, उनसे कोई लाभ नहीं है, वो तो लोग करते ही रहेंगे, चलता रहेगा। तो इस प्रकार से श्री गौतम स्वामी जो द्वैत भगवान आदि के द्वारा भगवान महावीर की स्तुति करते हुए और उनके समोसरण को वंदन कर रहे हैं, और जहाँ ऐसी साम्य भावना है कि जहाँ जिनके आश्रय को पाकर के गाय और शेर भी एक घाट पानी पीते हैं, ऐसा शासन अहिंसा परमो धर्म शासन हमेशा जयशील होता रहे और हम और आप उसी शासन में चलते हुए अपने आप को भी जयशील बनाएं। यही शासन, इसी शासन की शरण हमें और आपको एक न एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में, इस पुरुषार्थ में सफल करेगी। यही शासन हमारे और आपके लिए आत्मा को परमात्मा बनाने में बहुत बड़ा उपयोगी है। ये शासन हमेशा हमेशा दिग्दिगंत व्यापी होता रहे, इसी भावना के साथ आप सबके लिए अपना बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।